वेलकम टू द चैनल। आज हम सीखेंगे एम एस एक्सेल के जो होम के जो टैब के ऑप्शन हैं ये कवर करेंगे आज की वीडियो में हम लोग। लास्ट वीडियो में मैंने काफ़ी सारी शीट्स आपको पढ़ाई हैं, आज इस वीडियो में हम लोग होम के ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो सबसे पहले फॉन्ट को देखते हैं, फॉन्ट रिबन को। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं हम लोग फॉन्ट। मुझे इसके फॉन्ट चेंज करने, राइटिंग का स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ जाके कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग पीछे स्टाइल सेट हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा तो आप कंट्रोल जेड करके अपने पुराने वाला भी ले सकते हो जो आपने पहले लगा रखा था। इससे साइज इंक्रीज होता है, जितना भी आप इंक्रीज डिक्रीज करोगे यहाँ से कर सकते हो। ये दोनों भी साइज इंक्रीज और डिक्रीज के लिए होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो आप या तो यहाँ से कर सकते हो या नॉर्मली यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज का साइज कर सकते हो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनकी सबकी शॉर्टकट है कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक एंड यू फॉर अंडरलाइन। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये बॉर्डर्स के लिए है। सपोज करो मैं पूरी टेबल को कवर कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ जाके जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर करूँगा तो अंदर आप देख सकते हो कि बॉर्डर की लाइंस आ गई हैं ब्लैक कलर में। अगर आपको नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर कर सकते हो। सिर्फ लेफ्ट राइट की चाहिए या आउटसाइड बॉर्डर चाहिए तो यहाँ पर आप जैसे ही आउटसाइड बॉर्डर करोगे तो आप देखोगे पेरीमीटर बन गया एक बॉर्डर का। सिलेक्शन लेंगे हम थिक बॉर्डर करेंगे तो थिक बॉर्डर बनेगा। तो जो भी ऑप्शन लिखी है वही उसका प्रोसेस है, जैसे कि बॉटम डबल बॉर्डर, ये सारी लाइंस बॉर्डर के स्टाइल्स हैं कि आपको कहाँ कहाँ बॉर्डर चाहिए। उसके बाद आपको खुद हाथ से बनाना है तो ड्रॉ बॉर्डर करके हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर आप देख रहे हो कि बीच में बॉर्डर फिल नहीं हो रहा है। बॉर्डर फिल करने के लिए हमें ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि बीच में भी बॉर्डर फिल करता जाएगा अपनी लाइंस को। इरेज करना है तो इरेज बॉर्डर है, जहाँ से भी इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हो। उसके बाद है लाइन कलर, आपको रेड कलर का बॉर्डर चाहिए तो मैंने रेड लेके जैसे ही लाइन बनाऊंगा रेड कलर का बॉर्डर मिल जाएगा मेरे। फिर उसके बाद है लाइन स्टाइल, आपको इनमें से जो भी लाइन का स्टाइल चाहिए वो आप ले सकते हो। सिलेक्शन लेंगे तो वही स्टाइल यहाँ पर लग जाएगा। सो बॉर्डर हो गया, मैं बॉर्डर को इरेज कर देता हूँ। फिर उसके बाद है कलर। कलर का काम क्या है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कलर किया हुआ वैसे मैं सिलेक्शन लेके यहाँ का कलर भी चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद है ए का मतलब होता है फॉन्ट का कलर, मतलब ये अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हो, जो भी आपको कलर लेना हो। सो हम लोग फॉन्ट का जो ये रिबन है ये कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं अलाइनमेंट वाला टैब। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये टॉप अलाइनमेंट है, मिडल अलाइनमेंट है, इनका यूज़ क्या होता है। मैं पहले रो की हाइट थोड़ी इंक्रीज कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैं मिडल में करूँगा मेरा टेक्स्ट मिडल में आ जाएगा, टॉप में आ जाएगा, बॉटम में आ जाएगा। तो यहाँ से आप इन अलाइनमेंट्स को सेट कर सकते हो। लेफ्ट, मिडल, राइट, ये लेफ्ट मिडल राइट में आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट का अगर आपको रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर सकते हो, एंगल क्लॉकवाइज रोटेट, तो अपने अकॉर्डिंगली इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अगर सही करना है तो आप यहाँ क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो ये पहले की तरह सही हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसको बोलते हैं हम इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का काम क्या होता है, जैसे मैंने अलाइनमेंट यहाँ मिडल में लगाई है, लेफ्ट में लगाई है, आपको इनका ना यूज़ करके यहाँ से भी अलाइनमेंट अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। अब जैसे कि मिडल से तो बिल्कुल मिडल में आ जाएगा, पर आपको तो मिडल से पहले थोड़ा सा लगाना है इनको, तो अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हो आप अपने टेक्स्ट को। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं, सिलेक्शन ले लेते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरे को एक और हेडिंग डालनी है तो मैं मर्जन सेंटर कर दूँगा। इसको मर्जन सेंटर कर दूँगा। मर्जन सेंटर से ये बीच में जो रो कॉलम्स जो डिवाइड हो रखे थे वो बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे एक दूसरे से। इसके अंदर एक और भी ऑप्शन है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस से जो कॉलम्स की जो लाइन्स हैं ये वाली, ये आपस में मर्ज हो जाएगी, पर रोज मर्ज नहीं होंगी। फिर उसके बाद है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का काम क्या है, जैसे मैं यहाँ पर आकर एक नाम लिखता हूँ कुछ, मैंने जैसे ही राहुल शर्मा लिखा तो राहुल
का आर ए इस वाले सेल में चला गया, एम ए इस वाले सेल में चला गया। तो जैसे ही मैं इसको रैप कर दूंगा तो ये कैसे भी करके रो की हाइट बढ़ाकर इसको इसी सेल में एडजस्ट कर लेगा। तो रैप टैक्स से ये होता है। फिर उसके बाद आती है हमारी नंबर रिबन। नंबर रिबन में सबसे पहले ये डॉलर का साइन, परसेंटेज, कॉमास। तो इसके लिए हम लोग दूसरी शीट खोल लेते हैं एक बार। जैसे ये डॉलर्स के साइन है, मेरे को इनको चेंज करके कोई और करेंसी में चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको रुपीज़ में लगाना है तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जा करके यहाँ से नीचे थोड़ा सा स्क्रोल करेंगे तो रुपीज़ भी मिल जाएगा आपको इसमें। थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं। अब यहाँ से देखो आप असामीज, बंगाली, इंग्लिश, तो यहाँ से आप ये हिंदी वाला ले सकते हैं अपने हिंदी फॉन्ट के लिए। तो लग गया हिंदी का सिंबल। फिर उसके बाद ये परसेंटेज है, जैसे कि ये परसेंटेज में लगी ही हुई है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑलरेडी ये परसेंटेज के फॉर्मेट में है। पर मैं जैसे इसको चेंज करता हूँ परसेंटेज के फॉर्मेट में तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो इसको पहले से कर लेते हैं सही, कंट्रोल जेड करके पहले जैसा कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेरे को कॉमा इंसर्ट करना है। मैंने कोई फिगर लिखी, इसमें मेरे को कॉमाज इंसर्ट करने हैं। तो जैसे ही मैं कॉमा इंसर्ट करूँगा तो कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉमास को इंसर्ट कर देगा। फिर उसके बाद यहाँ मेरे को सिलेक्शन लेनी है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कि डेसिमल वैल्यू भी लिखी हुई है, मुझे वो नहीं चाहिए। तो आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज भी डेसिमल वैल्यू को कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद ऊपर यहाँ पर आ जाते हैं, जर्नल लिखा हुआ है, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं। जैसे ही मैं इसको जर्नल ले लूँगा तो आप देखोगे कि बिल्कुल कोई डॉलर का साइन नहीं, कोई कॉमा नहीं, बिल्कुल जर्नल फॉर्मेट इसका हो जाएगा। फिर से मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में ये अलाइंड अलाइंड हो जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर नीचे, मतलब एकदम सीधी लाइन में लग जाएंगे। फिर उसके बाद है करेंसी। करेंसी में सिंबल आ जाएगा, कोई भी करेंसी आप लेना चाहोगे। तो अकाउंटिंग फॉर्मेट में जो करेंसी है वो लेफ्ट लेफ्ट साइड सेग्रीगेट हो जाएगी और जो हमारा अमाउंट है वो राइट साइड अलाइनमेंट में हो जाएगा। उसके बाद है शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। अब एक डेट वाला हम लोग खोल लेते हैं, जैसे कि ये डेट लिखी हुई है, मैं इसको सिलेक्शन ले लेता हूँ, यहीं तक कर लेते हैं इसको हम। जैसे ही मैं लॉन्ग डेट करूँगा और रो को एडजस्ट करूँगा तो यहाँ पर मेरी डेट्स को एक्सपैंड करके दिखा देगा, उस दिन डे भी दिखा देगा कि डे क्या था। और जैसे ही मैं इसको शॉर्ट डेट करूँगा तो जैसे पहले लग रही थी वैसे ही उसके अकॉर्डिंगली सेट हो जाएंगी। उसके बाद है टाइम। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर सिर्फ 12 लिख लेता हूँ, मेरे को इसे टाइम के उसमें दिखाना है। तो जैसे मैं टाइम क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली ये आवर, मिनट्स और सेकंड के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। फिर अगेन परसेंटेज, तो परसेंटेज के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा ये। उसके बाद अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं स्टाइल, स्टाइल रिबन। स्टाइल रिबन में सबसे पहले ऑप्शन होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग, और ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है अपने, आप जब जॉब करेंगे तो इसका इस्तेमाल आप बहुत ज़्यादा करेंगे अपने जॉब जॉब के लिए। तो हाईलाइट सेल रूल में सबसे पहले ऑप्शन होती है ग्रेटर देन की। ग्रेटर देन का काम क्या है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ग्रेटर देन में चले जाते हैं। अब मेरे को ये देखना है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने 90 से अबव मार्क्स को अचीव किया है। तो मैं जैसे ही 90 इंसर्ट करूँगा यहाँ पर, और कलर आप यहाँ अपनी मर्जी से भी चूज़ कर सकते हैं कि येलो से दिखाना है या ग्रीन से दिखाना है, तो मैं इसको ग्रीन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि अलग से ही हाईलाइट हो गए वो बच्चे जिनके 90 से अबव मार्क्स हैं। अगेन सिलेक्शन ले लेते हैं लेस देन। कौन से ऐसे बच्चे हैं जिसके 33 से नीचे मार्क्स हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि 33 से नीचे बच्चा फेल कंसिडर किया जाता है। तो जैसे ही मैं 33 लिख के ओके करूँगा तो आप यहाँ देखोगे कि जो रेड वाले जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं जिनके सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो वह अलग से हाईलाइट हो गए हैं। फिर उसके बाद मैं सिलेक्शन ले लेता हूँ, बिटवीन में चले जाते हैं। बिटवीन में मैं ये देखना चाहता हूँ कि 40 से 60 के बीच में कौन से ऐसे स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स आए, इसको हम येलो कलर से डिफाइन कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर तीन कंडीशंस का यूज़ किया है, ग्रेटर देन 90 ये वाली है ग्रीन वाली, लेस देन 33 रेड वन है, और जो बिटवीन वाली है वो येलो कलर से डिनोट हो रही है। अब काफ़ी सारी कंडीशंस लग गई हैं तो पहले मैं इनको हटा लेता हूँ। कंडीशंस को हटाने के लिए आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर क्लियर रूल में क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स करेंगे तो ये क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं इक्वल्स टू। मेरे को ये देखना है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 40 मार्क्स आए, तो एक्जैक्टली 40 मार्क्स को यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेगा। और कलर आप यहाँ से भी जाकर चेंज कर सकते हैं, या सिर्फ आपको टेक्स्ट का कलर चाहिए तो वो भी ले सकते हो, बॉर्डर लेना हो तो बॉर्डर भी ले सकते हैं। तो अभी हम कलर रेड, लाइट रेड कलर ले लेते हैं। हो गया, यहाँ पर जितने 40 मार्क्स आए बच्चों के वो सब सिलेक्टेड हो गए हैं।
सिलेक्शन ले लेता हूँ फिर से मैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ में चले जाते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज़ का मतलब है कि यहाँ पर कौन से ऐसे मार्क्स हैं जो कि कॉपीड हैं, मतलब इसका मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे कि 10 यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, तो 10 की डुप्लीकेट वैल्यूज़ यहाँ पर मल्टीपल प्रेजेंट है। अब जैसे कि यहाँ पर 2 हाईलाइट नहीं हुआ, तो यहाँ पर 2 की कॉपी कहीं भी नहीं है। आप देख सकते हो कि ये यूनिक यूनिक नंबर है यहाँ पर। सिलेक्शन ले लेते हैं, इसको हम हटा लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है, डुप्लीकेट वैल्यू मैंने करा दिया है, डेट अकरिंग और टेक्स्ट डेट कंटेन। तो टेक्स्ट डेट कंटेन हम इस वाले सेल में कर लेते हैं। तो जैसे ही मैं टेक्स्ट डेट कंटेन में जाऊंगा और मैं यहाँ लिखूंगा कि कौन सा ऐसा बच्चा है जिसके नाम पे जी आता है, तो जिन भी बच्चों के नाम में जी आता होगा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को उसे हाईलाइट करके दिखा देगा। अगर आपको जी नहीं देखना, किसी पर्टिकुलर बच्चे का नाम देखना, तो आप नाम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो उस बच्चे का। जैसे मैंने यहाँ राम लिख दिया, तो राम का जहाँ पर भी नाम लिखा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन रह गई है जिसमें है डेट अकरिंग। अब डेट अकरिंग में हम अटेंडेंस शीट को अपनी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर फैब की मैंने डेट लिख रखी है। अब मैं जैसे इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ, मैं यहाँ चला जाता हूँ और डेट अकरिंग में चला जाता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे आज जैसे कि 7 तारीख है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कल येस्टरडे मतलब 6 तारीख थी कल, तो ये 6 तारीख की यहाँ पर सिलेक्शन ले रहा है। टुडे टुडे मतलब आज जो तारीख है, लास्ट 7 डेज में कितनी तारीख थी, तो उन सब की सिलेक्शन दे देगा। मैं इस हफ्ते क्या क्या तारीख होंगी वो सिलेक्शन दे देगा, संडे टू सैटरडे। अगले हफ्ते क्या तारीख होंगी वो भी सिलेक्ट हो गई। तो ये बेसिकली डेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो आप यूज़ कर सकते हो इसको भी। फिर से अपनी मार्कशीट में वापस आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन है टॉप और बॉटम रूल। यहाँ पर मुझे ये ऑटोमेटिकली सेंस करके ये बताएगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके टॉप 10% नंबर जो है कंसिडर करने चाहिए हमें। तो यहाँ पर कुछ ऑलरेडी जो अच्छे मार्क्स हैं बच्चों के वो कंसिडर इसने कर लिए हैं। ये कंप्यूटर अपने आप ऑटोमेटिकली सेंस करता है। परसेंटेज में भी सेम वही चीज़ है जो अभी मैंने पीछे बताई। इसमें बॉटम 10 में नीचे वाले बच्चों के जो बेकार जो फेलियर्स हैं उन बच्चों के सिलेक्शन देगा। फिर उसके बाद है अबव एवरेज बिलो एवरेज। इनकी सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर एवरेज शो कर रहा है 49%। तो जैसे ही ये कोई भी मार्क्स 49 से ऊपर होगा तो ये उसकी सिलेक्शन दे देगा मेरे को, जैसे कि 55 है। पर हाँ, 49 से नीचे वालों की सिलेक्शन नहीं देगा ये। 49 से नीचे वालों की सिलेक्शन आपको यहाँ मिल जाएगी बिलो एवरेज में। फिर उसके बाद आता है डाटा बार। जैसे हमारे फ़ोन में बैटरी की परसेंटेज के हिसाब से उसमें फिल और फिल हो जाता है, जैसे कि 100% बैटरी है तो पूरा आपको वो बॉक्स फिल मिलेगा, और अगर लूज़ हो गई है बैटरी 10% है तो उतना उसके हिसाब से ही वो फिल कर देता है बैटरी को। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर किसी बच्चे के 95 मार्क्स है तो ये बॉक्स पूरा फिल है, और किसी के 2% है तो यहाँ पर सिर्फ छोटा सा एक ऐसे लाइन ही आ रही है। सिलेक्शन लेंगे, हटा लेते हैं इसको, क्लियर रूल। फिर उसके बाद है कलर स्केल। कलर स्केल में क्या करता है, 3 कलर के हिसाब से कलरों को डिनोट करता है। जो बच्चे पास आउट है उनको डार्क ग्रीन कलर से दिखा रहा है, और जो बच्चे फेल हो गए जिनके मार्क्स अच्छे नहीं है उसको डार्क रेड से दिखा रहा है, और जो बच्चे बिटवीन में है फेल और पास के बीच में है तो उसको येलो कलर से दिखा रहा है। तो ये 3 कलर की फॉर्मेटिंग यहाँ पर कर रहा है ये। अगर आपको हटाना है इसको तो क्लियर रूल्स भी कर सकते हो। आइकन सेट वैसे ही सेम टू सेम आइकन भी सेट कर देगा, जैसे कि ग्रीन लाइट शो कर रहा है उन बच्चों के लिए जो कि पास आउट हो चुके हैं, रेड लाइट शो कर रहा है उन बच्चों के लिए जो कि फेल हो गए हैं, और येलो लाइट है जो कंपार्टमेंट या जिनके मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आए। और भी बहुत सारी ऑप्शन है यहाँ पर, नेटवर्क मिल जाएगा आपको, ये फ्लैग इंडिकेटर टिक और क्रॉस का, तो बहुत सारी ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर चूज कर सकते हो। सो हम लोगों ने कंडीशन फॉर्मेटिंग को क्लियर कर लिया है, और ये न्यू रूल का फॉर्मूला मैं अटेंडेंस शीट में पढ़ा चुका हूँ, यूज़ अ फॉर्मूला, एक बार आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम देखेंगे सबसे पहले सेल स्टाइल। सेल स्टाइल में जा कर के आप यहाँ पर अपना स्टाइल बना भी सकते हो, और जो एग्जिस्टिंग स्टाइल्स हैं उनका यूज़ भी कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको सिलेक्शन, इस वाली हेडिंग की सिलेक्शन लेके यहाँ से कोई स्टाइल इंसर्ट करूँ तो देख सकते हो आपकी ये लग रहा है। उसके बाद आपको अपना नया स्टाइल खुद से बनाना हो तो वो भी हम लोग बना सकते हैं। न्यू सेल स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे। नाम लिखने के बाद फॉर्मेट में जाकर अपने अकॉर्डिंगली जो आपको कलर पसंद है वो कलर लिख सकते हैं।
और कोई पैटर्न लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट भी लगा सकते हैं, बोल्ड और जो आपको यहाँ से फॉन्ट का साइज लेना है वो भी ले सकते हो। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर मेरा राहुल के नाम से एक फॉर्मेट बन गया है, पर ये ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं आ रहा क्योंकि हम लोगों ने कलर अच्छा नहीं लिया, तो इसको एक बार हम लोग ठीक कर लेते हैं। ठीक करने के लिए हम लोग राइट क्लिक करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, कलर हमने फॉन्ट कलर नहीं लिया, हाँ ब्लैक कलर ले लेते हैं, और फॉन्ट भी अच्छा नहीं था वो, तो यहाँ पर हम एरियल एरियल ले लेते हैं, एरियल ब्लैक ले लेते हैं और ओके ओके। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये मॉडिफाई हो गया है। अब मॉडिफाई तो हो गया ही, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है मर्ज स्टाइल की। मर्ज स्टाइल का मतलब क्या होता है, मैंने एक दो फाइलें खोल रखी हैं एक्सेल की, एक तो ये वाली जिसमें मैंने स्टाइल लगाया है, दूसरी फाइल मेरी यहाँ पर है बैलेंस शीट के नाम से। अब यहाँ पर देखो आप, मेरा वो राहुल नाम का वो जो स्टाइल अभी मैंने बनाया वो नहीं आ रहा है, तो मुझे वो स्टाइल उस वाली शीट से इस वाली शीट में कॉपी करना है। तो कॉपी करने के लिए आप मर्ज स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पर ही उस फाइल का नाम पूछेगा जहाँ से आपको स्टाइल को कॉपी करना है। तो आप वी लुकअप लेके जैसे ही ओके करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो कि राहुल नाम का जो स्टाइल है यहाँ पर भी आ चुका है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग बाकी की होम की चीज़ों को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।